जय हिंद जय भारत। मैं फातिमा निखत आपका स्वागत करती हूं BTS न्यूज चैनल में। हर पल की खबर आप तक, आइए देखते हैं आज के समाचार। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह भारत सल्फर एसोसिएशन की नायब सदर और हमारे जनरल सेक्रेटरी और कुलीन मंजिल इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के काउंसलर वार्ड नंबर 3 के अहमद कसारी साहब, फैजल बिन सईद बाउन साहब की सरपरस्ती में और मौलाना उमर रहमान साहब की निगरानी में जो दुल्हन बागरी गुल के वाकया जो 2-3 दिन से चल रहा मुसलसिल, उसके ऊपर इन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दोनों को बुलाया। दूल्हा जो बेंगलुरु का था जिसका नाम इलियास भाई था, दुल्हन समरीन बेगम, ये दोनों को यहाँ पर बुलाए और दोनों में जो उनके बड़े लोगों में नाइतफाकी थी जिसकी वजह से दुल्हन चले गई थी, उन लोगों का ये कहना है, दूल्हे का कहना है कि भाई मेरा सोना मेरा पैसा मेरे को दे दे, चुप झगड़े पंचायत नहीं होना बोले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है, आप तमाम की दुआओं से बारकल एसोसिएशन ने मौलाना उमर रहमान साहब, अहमद कसारी साहब, फैजल बाम साहब की और सऊद बिन सईद बाम हिंदी पहलवान की निगरानी में जो है ना ये मसला हल किया। दुल्हन भी खुश हो गए, दूल्हे वालों को जो देना था वो सोना वगैरह दे के जो ना पैसे दे दिए, दूल्हे वाले भी खुश हो गए, सबका शुक्रिया अदा करके बारकस का, हैदराबाद का, तेलंगाना का करके वो लोग भी बेंगलुरु को रवाना हो गए। इस मौके पर बस्ती के नौजवानों ने जिसमें तैयब बाम साहब है, अकबाल बाम साहब है, यूनुस मिनर साहब है, खालिद अहमद साहब है, राशिद कसारी साहब है, हमारे भाई मियाँ है, हमारे जाबरी साहब है, हमारे जो है ना अज्जू भाई है, उस्मान जो है ना उस्मान भाई है बाजाबर, और हमारे इनका क्या नाम है इनका जाफर भाई चिच्चा है, ये सब लोग मिले और जो है आप लोग भी थे इनका, आप लोगों के नाम से वाकिफ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती के नौजवान आज के फैसल भाई का, बारकत सुल्फर का, अहमद कसारी कौतर का, मौलाना उमर बहराम का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इतना बड़ा काम जो आपस में लड़ने के पुलिस ये वो हो रहा था उसको बहुत ही प्यारे तरीके से, सलीके से, मोहब्बत से, ईमानदारी से आपस में मिलाकर उनका सोना उनको, उनका पैसा उनको, उन्हों बेंगलुरु को आराम से गए, आराम से यहाँ पे सब खत्म हुआ। दोनों ने शुक्रिया अदा करके गले मिलकर बारकस को, तेलंगाना हैदराबाद को दुआएं देके गए, शुक्रिया खुदा का। मामू हूँ मैं, ये 3 दिन पहले वाकया हुआ था और ये सोना और गोल्ड का जो बोले थे गोल्ड भी दे दिया उनको वापस और जैसे उनका जो पैसा था वो लौटा दिए जबीच, और जो चैनल पे जो वीडियो वायरल हुआ उसके लिए क्लोज कर दीजिए पहले का वीडियो, ये जो है ये हकीकत है। ये होने की वजह क्या है? ये होने की वजह बोले तो फिर टेंशन होती आप लोग बोलो। देखो खानदान में जो प्रॉब्लम था लड़े झगड़े से हो गया, दोनों को भी एक दूसरे से समझ में नहीं आया फैमिली, इस वजह से ये बर्खास्त हो गया। हमारे चार बड़े बैठ के आपस में हम लोग भाई लोग जो है ये हम लोग का चार बिठा के हम लोग को बात करके ये आपस में बर्खास्त करा दी। बड़े हमारे ये जो भी है पूरे मेरे भाई लोग दिल से शुक्रिया, और बच्ची भी यहाँ पर ही है और बच्चा भी यहाँ पर भी है, ये मैटर पूरा क्लोज हो गया। इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं है, ना बच्ची फ्रॉड है ना दूल्हा भी फ्रॉड है, ये भी दूल्हे का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया नहीं बोल के आने आगे नो चलो जान दो बच्ची का हो गया वो खलास। सारी साहब का और जैसे फैसल साहब का, साउथ बॉम्ब का, इन तमाम मेरे भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन लोग हम लोग का बहुत भी बहुत साथ दिए और हम लोग को बहुत मुश्किल से निकाले, लोग हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। बस अल्लाह बरकात। मैं तमाम नाज़रीन से जो खबर दुरुस्त पहले जो वीडियो शाले हुई थी सारे व्हाट्सअपों पे, एक जो निकाह हुआ था जिसकी दुल्हन ने सोना लेकर और पैसा लेकर निकाह होने के बाद भाग गई बोल के, खैर निकाह हुआ था जो उसके बाद फौरन हमको मालूम हुआ, वहाँ पे रिपोर्टर्स और पुलिस आ गई थी, फिर वहाँ पे मैं हमारे फैसल बाम साहब और सऊद बाम साहब हम लोग वहाँ पे पहुँच के उस जो वाकया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह जब भी बैठ गए हम, यानी जो मीडिया जो शाला करी थी यानी दुल्हन पैसे लेके भाग गए सोना लेकर भाग गए, वो जो मीडिया के सामने आया जो बोले वही सामने आया, लेकिन हुआ ये कि थोड़ा सा वहाँ पे निकाह होने के बाद दोनों ख़ानदान में कुछ नाराज़गियाँ पैदा हो गए, उस बिना पे लड़की का दिल कुछ होने की वजह से ब्यूटी पार्लर की जाती हूँ बोल के वहाँ से लड़की यानी अपने घर को चले गई। जब तभी आके मैं जभी आकर बच्ची की माँ वहाँ पे मौजूद थी और बच्ची का मामू और फूफू और खाला, जब एक ही घंटे में जभी यानी जो वाकया हुआ एक ही घंटे में सोना लाकर दे दिए, कोई ऐसा कोई वाकया सोना लेके भाग गया वैसा वाकया नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम बैठ के सऊद बाम, हमारे फैसल बाम साहब, मैं और हमारे यूनुस मिनर साहब लोग पूरे मौजूद थे, मिलकर हम बोले भाई इसका तरीका क्या है ख़त्म करने का, तो फिर खाजी साहब से मशवरा लेके खुले की नौबत आई। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो पैसा था जो शरई तरीके से जो मेहर वापस करना था उस तरीके से मेहर भी वापस दिला दिया गया दूल्हे को, और जो जो चीज़ जो उन लोग डाले थे वो भी ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल में कुछ
कोई पुलिस केस नहीं, कुछ भी नहीं, हम दो रोज़ में अलहमदिल्ला ख़त्म कर दिए। मैं तमाम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मीडिया डाली है कोई गलत नहीं डाली, मीडिया कोई गलत नहीं, जो देखी जो सुनी वो डाली, लेकिन बच्ची भागी नहीं, बच्ची यानी नाराज़ होकर चले गई थी बच्ची, यही वाक़िया है, दूसरा और कुछ भी नहीं इससे पीछे। अलहमदिल्ला आज ख़त्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जो परसों जो निकाह हुआ था, मैं बेंगलोर से आया था, हम लोग जो है फ़ोन में देखकर, वीडियो कॉल में देखकर, सब कुछ देखकर हम लोग पसंद कर इधर आए थे। उस दिन निकाह होने के बाद में जो है ना, मेरे और उनके ख़ानदान में कुछ अनबन हो गया, इसीलिए लड़की निकाह से उठकर चली गई। जो भी मैं सोना डाला था वो मुझे मिल गया, जो भी महर का पैसा था, जो शरीयत जैसा बताई उस तरीके के मुझे पैसा वापस मिला। तो ये बात गलत है कि बच्ची जो है ना किसी के साथ ऐसा है, बल्कि क्या बना लिए उनके घर का जो पर्सनल जो है वो मेरे को नहीं मालूम। अगर ऐसा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर व आफियत से हों, आपकी हर सु खुशगवार हो और हर खुशगवार सु का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS News। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।